हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास एक ये वीडियो कॉन का किट आया है, यानी मैं खुद निकाल कर लाया हूँ। ये जूना वीडियो कॉन का 21 इंच CRT टीवी का किट है। ये देखिए इसका मॉडल। दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, ये फुल स्टैंड बाय में गया है ये सर्किट, ये ऑन नहीं हो रहा है और इसके सारे SMPS वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहे हैं। देखिए, अभी मैं आपको इसे सिर्फ ऑन करके दिखाता हूँ और बाद में इसके वोल्टेज भी दिखाऊंगा किट उल्टा करके। देखिए देखिए, इसका इंडिकेटर जल गया, मगर ये ना स्विच से ऑन हो रहा है ना रिमोट से, ये झिकझक कर रहा है। देखिए दोस्तों, अब मैं फिर से एक बार आपको ये किट ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए, इसका इंडिकेटर ऑन हो गया, इसका स्टैंड बाय वोल्टेज भी देख लीजिए आप। देखिए, स्टैंड बाय में EHT के लिए प्लस वोल्ट 60 से 65 वोल्ट आना चाहिए, मगर ये बहुत कम आ रहे हैं। देखिए 35 वोल्ट आ रहे हैं स्टैंड बाय में। यहाँ पर 10 से 12 वोल्ट आने चाहिए ओरिजिनल ड्राइवर ट्रांसफार्मर के लिए। ये भी देखिए 7-8 वोल्ट आ रहे हैं, ये 12 वोल्ट आने चाहिए, ये 7 से 8 वोल्ट आ रहे हैं और ये 15 से 8 वोल्ट साउंड के लिए आना चाहिए, यह भी 5-6 वोल्ट ही है। ये तो स्टैंड बाय में है दोस्तों। देखिए, अभी मैं इसे रिमोट से पल्स देके देखता हूँ। देखिए, अभी मैं पल्स दे रहा हूँ। देखिए, नॉर्मल सा बढ़ गया, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। देखिए, देखिए अप डाउन हो रहा है वोल्टेज। देखिए, देखिए सारे वोल्टेज ड्रॉप हो गए। और दोस्तों, ये बंद करने के बाद इसका जो मेन फिल्टर है ये भी डिस्चार्ज नहीं होता है। देखिए, मैं बताता हूँ अभी आपको फिर से बंद करके। सॉरी दोस्तों, लाइट बंद हो गई। देखिए दोस्तों, ये फिल्टर है, इस पे वोल्टेज देखिए, देखिए 250 से ज़्यादा वोल्ट यहाँ पे फिक्स रहते, ये डिस्चार्ज नहीं हो रहे। इसका मतलब हमारे SMPS सर्किट जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसे हम फिर से वापस चेक करते, इसके प्राइमरी में ही फॉल्ट होना चाहिए दोस्तों। देखिए, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो ऐसे टाइम हमें हर एक वक्त जब तक सर्किट सही नहीं होता इसे डिस्चार्ज करना चाहिए कैपेसिटर को, 100 वाट या 200 वाट बल्ब लेकर, वरना हमें शॉक लग सकता है। कभी कभी हमारे ध्यान से निकल जाता है और यहाँ पे हमें शॉक लगता है। दोस्तों, फिर से अभी मैं आपको प्राइमरी सेक्शन के वोल्टेज चेक करता हूँ ऑन करके। देखिए, अभी प्राइमरी ऑन किया मैंने, मेन बोर्ड ऑन किया सर्किट, अभी पल्स दिया मैंने। अभी देखिए दोस्तों, इसके 3 नंबर पे यहाँ पे STR है, CQ0765RT। इस नंबर का मीडियम साइज का STR है यहाँ पर। देखिए,
इसके 3 नंबर पिन पे 12 से 18 वोल्ट आने चाहिए। अभी तो यहाँ पर आ रहे हैं, मगर ये फ्लक्चुएशन हो रहा है इसमें थोड़ा। एक नंबर पे मेन सप्लाई आती है ये चॉपर ट्रांसफार्मर से, देखिए यहाँ से एक नंबर पे, ये दो नंबर ग्राउंड है, 3 नंबर पे स्टार्टिंग वोल्ट आना चाहिए। देखिए इसके 4 और 5 नंबर पे भी कोई वोल्टेज नहीं बता रहा है, तो हमें ये सर्किट चेक करना पड़ेगा प्राइमरी सेक्शन का। तो फिर मैं अभी आपको आगे का हाल जो है बताता हूँ, देखते रहिए मेरे साथ मेरे चैनल को। दोस्तों ये एसटीआर के 4 नंबर पिन पे कम से कम 1.3 वोल्ट ऐसे आना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, और 5 नंबर पे 3 से 4 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। दोस्तों तो इस फॉल्ट में क्या होता है, दोस्तों यहाँ पे जो रजिस्टर है मेन सप्लाई में से, देखिए ये सीरीज में ये शायद 120 है या 470 के है, मैंने अभी देखा नहीं, तो ये सीरीज में ये ग्राउंड है, दो सीरीज में रजिस्टर, इनमें से कोई ओपन हो जाए या हाई हो जाए, ये जो सप्लाई 18 वोल्ट की एसी से डायरेक्ट इसकी एसटीआर में 3 नंबर पिन में ये नहीं मिले, या इसके ऊपर जो कैपेसिटर है यहाँ पे 4.750 या 10 माइक्रोफेरेड 50, देखिए यहाँ पे ये भी फॉल्टी हो जाए तो भी ये फॉल्ट होता है। और कभी कभी दोस्तों यहाँ पे जो डायोड है, यहाँ पे 18 वोल्ट डायोड है इसमें, और 27 वोल्ट और 4.7 वोल्ट, ये 3-4 टाइप के डायोड है यहाँ पे, ये हमें चेक करनी चाहिए। कभी कभी सेकेंडरी में भी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी दोस्तों ये जो यहाँ पे ऑप्टो कपलर है ये भी फॉल्टी हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर या एससीआर होगा TEL या KIA431 इस नंबर का, देखिए यहाँ पे ये भी अगर काम नहीं करता है तो भी ये अप डाउन वाला प्रॉब्लम होता है दोस्तों। और बाय चांस कभी कभी इसका जो मेन फिल्टर है 100 माइक्रोफेरेड 160 वोल्ट का, देखिए SMPS से और जो जाता है इसमें, ये देखिए यहाँ पे ये कैपेसिटर है, ये भी फॉल्टी होता है तो भी ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो मैं अभी इसे प्रैक्टिकली चेक करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ क्या फॉल्ट है उसका। ओके दोस्तों, देखिए इससे पहले हमें ये डिस्चार्ज करना चाहिए। अभी मैंने स्विच ऑफ किया किट, फिर भी देखिए फुल चार्ज है इसका फिल्टर 450 वोल्ट वाला। देखिए अभी मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ, देखिए अभी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया ये,
अभी मैं इसके ये जो पार्ट्स है निकाल कर चेक करता हूँ, अभी रिप्लेस करके फिर से आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये किट बहुत यूज किया हुआ है क्योंकि इसके सारे शोल्डर पॉइंट देखिए ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं। देखिए दोस्तों पूरा पीसीबी इसका ड्राई हुआ है, इसके शोल्डर सारे ड्राई हो चुके हैं क्योंकि इसे बहुत यूज किया हुआ है। दोस्तों अब हमारा किट जो है ये वीडियोकॉन का ये ऑन हो चुका है। इसके लिए मैंने क्या किया ये मैं पहले आपको बताता हूँ, बाद में इसे ऑन करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये जो एसटीआर है ये इसके तीन नंबर पिन पे जो स्टार्टिंग वोल्टेज जाता है हमारे मेन पावर से, ये दो रजिस्टर है यहाँ पे हाई वैल्यू के, शायद 470 के होंगे दो, और ये डायोड इसके थ्रू यहाँ पे 18 से 20 वोल्ट आता है। ये CQ765RT है तीन नंबर पिन पे, यहाँ पे वो थोड़े फ्लक्चुएट हो रहे थे तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर जो 10 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर था वो बदली किया दोस्तों, मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर बाद में यहाँ पे एक इस 20 से 24 वोल्ट चॉपर ट्रांसफार्मर से इसके 18 से 20 वोल्ट स्टेबिलाइज़र के लिए आता है रजिस्टर लगाकर, तो यहाँ इसके ऊपर जो 10 माइक्रोफेरेट कैपेसिटर था 50 वोल्ट इसे मैंने रिप्लेस किया। देखिए ये है तो हमारा ये जो फॉल्ट ठीक हो गया। तो ये जो कैपेसिटर है दोस्तों यहाँ पे था, यहाँ पे तो मैंने नया लगाया और इसका पुराना वाला यहाँ पे लगाया, और यहाँ का जो फॉल्टी था वो ये कैपेसिटर है दोस्तों। तो उसके बाद हमारा ये किट ऑन होके हुआ, इसके सारे सप्लाई जो है SMPS आउटपुट के ओके आ रहे, EHT के सप्लाई, CRT बेस के ऊपर के सप्लाई सारे ओके आ रहे। अभी मैं आपको इससे ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए आप देखिए ये LED ऑन हो गई, इससे मैं ऑन करता हूँ। आप ये EHT के कैप के ऊपर जो पेपर है वो स्पार्क होने पे उड़ जाएगा तो आपको पता चलेगा हमारा EHT ऑन ओके हो गया। देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, देखिए EHT ऑन हुआ, इंडिकेटर ऑफ हुआ, इसका मतलब हमारा SMPS और सारा किट ऑन ओके हो गया है। देखिए इसके वोल्टेज दिखाता हूँ मैं आपको STR के तीन नंबर पिन पे, देखिए 18 से 19 वोल्ट आ रहे। यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट आ रहे, ये डायोड थ्रू यहाँ पे ब्लैक डायोड रहता है। इसके वोल्टेज भी दिखाता हूँ मैं आपको, अभी तो ये जो तीन नंबर पे है ये वोल्टेज 18 से 20, हमारा एक नंबर मेन सप्लाई जाती है 300-350 वोल्ट, दो नंबर ग्राउंड, चार नंबर पे देखिए पहले कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा था, अभी देखिए 0.5 से 1.3 तक वोल्टेज आता है दोस्तों यहाँ पे, और पांच नंबर पिन पे 3 से 4 वोल्ट आता है, देखिए 3.2 वोल्ट आ रहा है। अभी मैं आपको इसके सेकेंडरी के वोल्टेज दिखाता हूँ। दो सौ 250 वोल्ट में सेट किया है मैंने मीटर, देखिए ये EHT सप्लाई है, EHT के लिए 115 से 20 वोल्ट ओके आ रहे हैं। ये हमारे हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांसफार्मर के लिए सप्लाई जाता है दोस्तों, देखिए 23 से 24 वोल्ट, ये 5 वोल्ट के लिए जाता है, 5 और 8 वोल्ट के लिए दोस्तों,
5 से 8 वोल्ट के लिए 12, 11 से 12 वोल्ट, और ये जो है साउंड आईसी के लिए जाता है दोस्तों 15 से 18, जो 17 वोल्ट हमें यहाँ इस मीटर में दिखा रहा है। बाद में मैं आपको इसके सीआरटी बेस के ऊपर के वोल्टेज भी दिखाता हूँ। देखिए स्क्रीन वोल्टेज है दोस्तों, देखिए 150 वोल्ट दिखा रहा है। अभी मैंने योग कनेक्शन नहीं किया है, योग कनेक्शन करने पर इसके सारे वोल्टेज थोड़े बढ़ सकते हैं दोस्तों। विदाउट योग कनेक्शन सर्किट को ज़्यादा देर चालू नहीं रखना चाहिए। देखिए ब्लू कैथोड है, रेड कैथोड, स्क्रीन वोल्टेज और एक ग्रीन कैथोड, सारे वोल्टेज ओके आ रहे हैं। इसका हीटर भी ओके होगा, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 4.6 वोल्ट, 4 से 6 वोल्ट एसी आती है यहाँ पे। ओके दोस्तों, अभी हमारा टीवी तो ऑन हो गया, ओके हो गया है। मैं आपको एक बार इसके पीछे सर्किट में क्या क्या पार्ट्स लगाए हैं वो भी दिखाता हूँ। तो उससे पहले मैं इसे ऑफ करता हूँ दोस्तों। देखिए अभी हमारा टीवी ऑफ हो गया, स्टैंड बाय में गया। अभी मैं टोटल इसे मेन स्विच से बंद करता हूँ। देखिए अभी हमारा टीवी किट पूरा बंद हो गया है। अभी इसके पीछे के सारे पार्ट्स के नाम आपको बताता हूँ, और ये किट मैं आपको ट्यूब के ऊपर लगा कर नहीं दिखाने वाला, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब मैंने ये दोनों कैपेसिटर, ये और ये, मेन पीसीबी के ऊपर से लगा दिया। इसके सारे सोल्डर भी देखिए जो ड्राई थे, उससे भी ज़्यादातर पिन जो है रिसोल्डर कर दिए दोस्तों। अभी मैं आपको इसके मेन पार्ट्स के नंबर बताता हूँ। देखिए इसका EHT जो है BSC2501N4095K। इसका वर्टिकल IC देखिए 78040B ये लिए। ये इसका STR है दोस्तों CQ0765RT, इस नंबर का है दोस्तों। ये साउंड IC है, बाद में इसका नंबर भी आपको दिखाता हूँ। स्लिम साउंड IC है, ये दोस्तों TDA12135। देखिए ये क्रोमा IC है, TDA12135PS N33A07, इस नंबर के IC है दोस्तों। और इसमें एक वीडियो आउटपुट IC है, लिए 6107JF। ओके दोस्तों, और दोस्तों ये जो साउंड आउट IC है ये ST4540SA स्लिम IC है। तो ओके दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।
तो फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।